नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नागपंचमी स्पेशल गेहूं की खीर और साथ में कानोली की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप गेहूं लिए हैं। जो हमारे घर में गेहूं रहता है वही गेहूं है ये, जिससे हम रोटी चपाती बनाते हैं वही है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसकी जगह पे लोकवान गेहूँ ले सकते हैं या फिर खपली गेहूँ भी ले सकते हैं। अब हम इस गेहूँ को अच्छे से धो लेंगे एक बाउल में डाल के। आज मैं आपको इंस्टेंट खीर बना के दिखा रही हूँ, नहीं तो इसका बहुत ही लंबा प्रोसेस रहता है। गेहूँ को 1 दिन पहले भिगोया जाता है, फिर उसके दूसरे दिन इसकी खीर बनाई जाती है। ये होता है पारंपरिक तरीका, लेकिन आज हम इंस्टेंट खीर बना के रेडी कर रहे हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से धो लेंगे गेहूँ को। गेहूँ को हम 2 से 3 बार धो के इसका सारा पानी निकालेंगे। अब हम एक दूसरा बाउल लेंगे और उसके ऊपर छन्नी रख के धुले हुए गेहूँ डाल देंगे छन्नी में, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी हो वो नीचे गिर जाए बाउल में। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से रख देते हैं। करीब 5 मिनट हो चुका है और इसका सारा पानी निकल चुका है, आप देख सकते हैं बाउल में। अब हम एक मिक्सर का जार ले लेंगे। मिक्सर का जार हम सबसे बड़ा भी नहीं लेंगे और सबसे छोटा भी नहीं लेंगे, मीडियम साइज का लेंगे। अगर आप छोटा ले लेंगे तो गेहूं का पूरा पाउडर बन जाएगा, अगर आप बड़ा लेंगे तो वो ठीक से पीसेगा नहीं। अब हम गेहूं को पीस लेते हैं। गेहूं को पीसते समय 5 सेकंड के लिए मिक्सर को चलाएंगे, बंद करेंगे, फिर 5 सेकंड के लिए चलाएंगे, फिर बंद करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने दरदरा पीस लिया है इसको। एक एक इसमें गेहूं भी है, आप देख सकते हैं। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें डाल देते हैं पिसा हुआ गेहूं। गेहूं के ऊपर तक पानी डालेंगे और अब हम गेहूं को हाथ से मसलते हुए इस तरह से धो लेंगे, ताकि इसके ऊपर का छिलका है वो निकल जाए। थोड़ा बहुत निकलेगा छिलका, ज़्यादा तो नहीं निकलेगा। बाउल में सारा पानी निकाल देंगे इस तरीके से। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इसका छिलका निकलता है। अब हम इसको फिर से धो लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के। इसी तरह से 1 से 2 बार आप इसको धो सकते हैं। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर में डाल देते हैं धुला हुआ गेहूँ। देखिए सारा गेहूँ डाल दिया है मैंने कुकर में इस तरीके से। जिस कप से हमने गेहूँ लिया था वही कप ले लेंगे, उसी कप से हम माप के पानी डालेंगे। 1 कप हमने गेहूँ लिया था तो उसी कप से हम 3.5 कप पानी डालेंगे इसमें। अगर आपके पास इस तरीके से कप नहीं है तो आप कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी से सारी चीज़ें ले सकते हैं। खीर बनाने का माप सही होगा तो हमारी खीर भी एकदम परफेक्ट बन जाएगी। अब हम कुकर को बंद करेंगे और इसको गैस पे रख देते हैं। गैस की आंच को मीडियम रखेंगे 5 सीटी आने तक। उसके बाद हम गैस की आंच को स्लो रखेंगे और स्लो आंच पे 2 सीटी ले लेंगे। करीब 7 से 8 सीटी लगाने के बाद गैस की आंच को मैंने बंद कर दिया था और उसके बाद कुकर को मैंने पूरी तरह से ठंडा कर लिया है। ठंडा होने के बाद ही हम इसको खोल लेंगे। कुकर का हम प्रेशर नहीं निकालेंगे, उसको अपने आप ठंडा होने के बाद ही खोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते है गेहूँ हमारा बहुत ही अच्छे से पक चुका है। टाइम थोड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है और आपके गैस के ऊपर भी डिपेंड रहता है, या फिर आपने जैसे गेहूं लिए हैं उसके ऊपर भी डिपेंड रहता है। अगर आपके गेहूं पके नहीं हैं तो आप थोड़ा सा पानी डाल के फिर उसके पका लीजिए। अब हम गैस के ऊपर एक कढ़ाई रखेंगे और कढ़ाई में डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच घी। घी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। जैसे घी गर्म होता है अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ नारियल। मैंने इस तरीके से नारियल को कट कर लिया है। ये डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। और आप यहाँ पे सूखा नारियल ले सकते हैं या फिर इस तरह से मैंने गीला नारियल लिया है, ऐसे भी आप ले सकते हैं। नारियल का हमें हल्का कलर चेंज करना है, इसको हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। नारियल का कलर चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम नारियल को एक प्लेट में निकालेंगे। अब हम इसी घी में डालेंगे थोड़े से काजू और थोड़े से बादाम। काजू और बादाम को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसका हम हल्का कलर चेंज होने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। हल्का कलर चेंज हो चुका है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ड्राई फ्रूट को फ्राई करके डालने से खीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब हम इसी घी में डालेंगे चीनी। जितना हमने गेहूँ लिया था उतना ही हम चीनी लेंगे। 1/3 कप अब भी डालेंगे और बाकी का बचा हुआ बाद में यूज़ करेंगे चीनी को। अब हम चीनी का कैरमल बना के रेडी करेंगे। गैस की आंच को हम स्लो रखेंगे इस टाइम पे। आज हम कैरमल खीर बना रहे हैं तो इसलिए हम अभी शुगर का कैरमल बना के रेडी कर रहे हैं। तो इसलिए आपको गैस की आंच को स्लो रखना है और स्लो आंच पे ही चीनी को मेल्ट होने देना है। आप एक बार इस तरह से खीर बना के देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है खाने में।
अगर आपके घर में कोई पसंद नहीं करता है गेहूँ की खीर खाना, तो आप इस तरह से एक बार बना के देखिए, बहुत ही अच्छी लगती है ये खीर खाने में। बच्चे भी इसे मांग मांग के खाएंगे, ऐसी बनती है ये खीर। आप यहाँ पे देख सकते हैं चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो रही है साइड से। अब हम इसको इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे। शुगर का कैरमल बनाने के लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको गैस की आंच को बिल्कुल मीडियम या फिर हाई नहीं करना है। करीब 5 मिनट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है। चम्मच पे जो चीनी लगी थी उसको भी मैंने निकाल लिया है। देखिए गैस की आंच को मैंने बिल्कुल स्लो कर रखा है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे। करीब 8 मिनट हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं चीनी हमारी कैसे मेल्ट हो रही है। इस तरह से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। देखिए इसमें थोड़ी थोड़ी चीनी है अभी। इसी समय पे गैस की आंच को बंद करेंगे। इसी तरह से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। इसमें जो भी चीनी है वो मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारा शुगर का कैरमल बहुत ही ज़्यादा गर्म है, तो वो अपने आप चीनी को मेल्ट कर देगा। अभी हम शुगर के कैरमल को इसी तरह से लगातार चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये शुगर का कैरमल हल्का ठंडा हो जाए और इसमें जो भी चीनी है वो भी मेल्ट हो जाएगी। 4 मिनट हो चुका है और ये हल्की ठंडी हो चुकी है अभी। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध मैंने यहाँ पर 1 कप लिया है। दूध को हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे इस तरीके से। और हम इसमें डालेंगे 1.5 कप दूध। मैंने टोटल यहाँ पर 2.5 कप दूध डाला है इसमें। दूध डालने के बाद गैस की आंच को ऑन करेंगे और स्लो पे रखेंगे। स्लो आंच पे ही एक इसमें उबाल आने देते हैं। दूध डालने के बाद शुगर का कैरमल नीचे से लग सकता है, लेकिन इस पे घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही हमारी कढ़ाई गर्म होती जाएगी वैसे ही शुगर का कैरमल मेल्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दूध का कलर कितना चेंज हो चुका है। देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इस कढ़ाई को दूसरे गैस पर रख देते हैं और इस गैस पर दूसरी कढ़ाई रख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई रख दी है गैस पर। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। जैसे हमारा घी हल्का गर्म होता है अब हम इसमें डालेंगे पके हुए गेहूँ। पके हुए सारे गेहूँ को डाल देंगे और अब हम इसको इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे और 4 से 5 मिनट के लिए घी में भून लेते हैं। ऐसा करने से हमारे खीर का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। चम्मच की मदद से इस तरह से थोड़ा सा मैश करेंगे, ताकि इसमें जो भी बड़े बड़े गेहूँ हैं वो भी अच्छे से मैश हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे हमारा कैरेमल किया हुआ दूध जो हमने पहले बना के रखा था वो। अब हम खीर को बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से। थोड़े से लम्स पड़ सकते हैं गेहूँ के, लेकिन कोई बात नहीं, चम्मच के पीछे की साइड से इस तरह से मैश करेंगे तो लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बाकी की बची हुई चीनी जो हमने पहले बचा के रखी थी वो। वैसे तो इतनी चीनी इसके लिए एकदम परफेक्ट है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद करती हूँ, इसलिए मैं डाल रही हूँ और 2 चम्मच चीनी। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हम खीर को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की आंच को स्लो रखेंगे और स्लो आंच पे खीर को पकने देते हैं। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें डालेंगे 1 कप गेहूं का आटा, जिसे हम रोज़ चपाती बनाते हैं वही है ये। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, इसी के साथ डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच घी। अब हम आटे को अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम मीडियम आटा लगा के रेडी करेंगे। ना ही ज़्यादा हार्ड रखेंगे और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट रखेंगे। देखिए इस तरह से आटे को मैंने लगा लिया है। अब हम ऊपर से थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसको हम ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। तब तक हम हमारी खीर देख लेते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अच्छे से एक उबाल आ चुका है। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको, ताकि नीचे लग ना जाए। खीर को ज़्यादा पकाएंगे नहीं, क्योंकि हमने पहले से ही गेहूं को पका लिया था अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जायफल का पाउडर, 1 चुटकी के जितना डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमें। जायफल का पाउडर हमें सिर्फ 1 चुटकी डालना है, याद रखिए, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। अगर आपको जायफल पसंद नहीं है या फिर नहीं डालना चाहते, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसकी जगह पे इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। खीर को हमें ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाती है। अब हम गैस की आंच को बंद करेंगे। यहाँ पर आटे को भी 5 मिनट हो चुका है। इस तरह से थोड़ा सा मसल लेंगे हाथ से और इस तरह से छोटी छोटी इसकी लोई तोड़ लेंगे। अब हम चकला लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालेंगे, इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब हम आटे की एक लोई लेंगे और उसको भी चिकना कर देंगे। बेलन के ऊपर भी थोड़ा सा
तेल लगाएंगे और इस तरह से हम इसकी रोटी बनाएंगे। रोटी को हमें जितना पतला हो सके उतना हमें पतला इसको बेल लेना है। इस तरह से बेल के मैंने रेडी किया है। बीच में हम तेल लगाएंगे। देखिए इतनी पतली है, इस तरह से उठाएंगे, दूसरे साइड पे रखेंगे। अभी इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगाएंगे इस तरह से, और इस तरह से पकड़ के दूसरे साइड पे रखेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से रेडी हो चुका है हमारा कानोला। अब हम इसी तरह से सारे कानोले बना के रेडी करेंगे। कानोले अभी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से स्टील की छन्नी ले लिए है। इसके ऊपर तेल या घी से ग्रीस कर देंगे। इस तरह से ग्रीस करने से कानोला हमारा चिपकेगा नहीं छन्नी में। देखिए अच्छे से ग्रीस हो चुका है। अब हम तैयार किए हुए कानोले रख देंगे। इस तरह से थोड़े से एडजस्ट करके रखेंगे इसके ऊपर। इस तरह से छन्नी में रख दिया है मैंने। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक बड़े से बर्तन में पानी रख दिया था। 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सिर्फ 5 मिनट में ही रेडी हो जाता है। देखिए 5 मिनट हो चुका है, इसमें से भाप निकल रही है। आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक चुका है अभी। क्योंकि चपाती हमने बहुत ही पतली बेली थी इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको पकने में। चिमटे की मदद से इस तरह से पकड़ के एक प्लेट में रखेंगे। बाकी बचे हुए भी आप इसके ऊपर रख सकते हैं और इसी तरह से पका सकते हैं। रेडी है हमारी गर्मा गर्म कैरेमल खीर और साथ में कानोले भी रेडी है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।